नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। 7 साल के बच्चे की यौन शोषण के बाद हत्या, अर्धनग्न स्थिति में मिली लाश। वर्धा जिले में 7 साल के छोटे बच्चे का यौन शोषण कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में विशाल जोगदंड नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विशाल को शराब की लत है और वह मजदूरी करता है। शुक्रवार को यह बच्चा उसके घर के सामने खेल रहा था। चॉकलेट देने के बहाने उसे वह अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर गया, जहां उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। लोग बच्चे की चीख पुकार सुनकर झोपड़ी में गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें बच्चे का शव पानी की टंकी में दिखाई दिया। पुलिस को सूचना करते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ किया अनैसर्गिक कृत्य, उजागर होने के डर से आरोपी ने बालक की हत्या कर दी। बालक का शव प्लास्टिक की टंकी में डालकर सबूत मिटाने का प्रयास भी किया। अनैतिक संबंधों के चलते मर्डर, भतीजा ही निकला चाचा का हत्यारा। अमरावती के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले रसूलपुरा में भतीजे ने अपने ही चाचा की हसिया से वार कर हत्या कर दी। आरोपी आशीष मेश्राम और मृतक चाचा गोवर्धन की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। यह बात गोवर्धन को पता चलने पर आशीष ने शुक्रवार रात अपने चाचा की हत्या कर दी। पुलिस जांच में आशीष का नाम सामने आया। 6 जून को पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहाँ उसे 9 जून तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। हत्या के बाद कुएं में फेंका शव। केलवर थाना अंतर्गत आने वाले नांदोरी गांव में एक युवक की हत्या के बाद शव कुएं में फेंके जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृतक राजेंद्र उर्फ राजू मुरलीधर जोगी उम्र 34 साल है। गांव के ही एक युवक विक्की बाबाराव दराडे और राजू की मित्रता थी। शनिवार रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि आवेश में आकर विक्की ने राजेंद्र पर पत्थर से हमला कर दिया और उसे गंभीर जख्मी कर कुएं में फेंक कर फरार हो गया। सावनेर पुलिस अब विक्की की तलाश कर रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त चला ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।